प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी के मकान के पास मौजूद हूँ। सबसे पहले ये बोर्ड दिखा दूँ आपको, जिसको भी आवास का लाभ मिलता है उसके बाहर जब आवास बन जाता है तो ये बोर्ड लग जाता है। आप देख सकते हैं जो लाभार्थी का नाम है राजमणि, उनके पति का नाम है राजा राम, और जो मकान बना है ये 2 फ्लोर का बना है। आप तस्वीर देख सकते हैं कि 2 फ्लोर का ये मकान बन चुका है। अब हम अंदर चलेंगे, जो लाभार्थी हैं उनसे हम बात करेंगे। देखिए ये कमरा है, सीढ़ी है, उसके बाद बाथरूम है और ये किचन है, उसके बाद देखिए ये बेडरूम है। हम अंदर चलेंगे, चूंकि किचन है तो सूज निकाल के हम अंदर चलेंगे, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? अच्छा, प्रधानमंत्री आवास आप प्राप्त की हैं, इसके बारे में जानकारी कैसे हुआ आपको? सर मतलब मंत्री जी के कलियारे पर गए, वहाँ पर एक योजना सुने, यहाँ पर आए, जा करके डूडा में अपन फार्म भरे, प्रधान जी हमने के आवास दिए, हमने के कच्चा का मकान रहल, चुवत रहल, रात भर सुतर न जान जा, फिर ओकरे बाद में उन देहलन अंकल जी, तो आवास बनल हमने के, यही में अपन हमने के उजाला मिलल। ये घर आपको कब मिला, कितना समय लगे बनने में और खाते में कितना पैसा आया? सर 2.5 लाख रुपया आया। आवास से पहले आप लोग कहाँ रहते थे, मकान कैसा था? सर यही में रहे, जहाँ पर हैं वही पर रहे, कच्चा मकान रहल, चुवत रहल, रहे के ठेकान ना रहल, यही में अपन मुंजामी मुंजामा छा के रहन जा, छा के अपने में रह जा, अंकल जी हमन लेके देहलन, हमनी लोग बहुत खुश है, बहुत खुश है, तई तबा खुश नहीं है सर, मतलब कि हम ही लोग चाहते हैं कि यदि पारी अंकल जी बेस फेन आके सरकार हमने का बन जाए। अच्छा, एक सवाल और, आप बार बार अंकल जी किसे कह रही हैं? मोदी अंकल। अच्छा, हम दूसरे मकान में आ गए हैं और ये भी मकान प्रधानमंत्री आवास के लाभार्थी का है। देखिए लाभार्थी का नाम नथुन देवी है, उनके पति का नाम शभा नारायण है और ये जो मकान है ये 2 फ्लोर की है, पूरी तरीके से तैयार है। हम अंदर चलेंगे, जो लाभार्थी हैं उनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? प्रधानमंत्री आवास के बारे में जानकारी आपको कैसे हुई थी? जब पहले हम लोग का घर चूता बाता था, उसके बाद नरेंद्र मोदी जब चुनाव में आए, सरकार बने, उसके बाद प्रचार होने लगा कि आवास मिलेगा, आवास मिलेगा, तो हम लोग भी फॉर्म भरे, आवास मिली भी और लिए भी, हम लोग मकान बनाए हैं। जैसे कितना समय लगा इस आवास को प्राप्त करने में, कितना पैसा आपके खाते में आया? आया था 2.5 लाख। ये करा था कि पहले आवास कैसा था और समस्याएं क्या क्या होती थी? पहले का आवास जो बना था वो आवास में मतलब कि आधा से ढेर ही बालू था, और यह है तो पैसा खाते में हम लोग के हाथ में आया, हम लोग अपने हिसाब से बनाए हैं, जैसे हम लोग के बनाना चाहिए। अच्छा, वो ढंग से अपने हिसाब से। जब से आप इस मकान में रहने लगी, मकान बन गया, क्या बदलाव आया आपके जीवन में? जी यही है कि सुरक्षित हैं, शांति से हैं, अपने हिसाब से बना लिए हैं, और उस मकान में बहुत दिक्कत होती थी। ये बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड में सबसे पहले दिखा देता हूँ, जो लाभार्थी का नाम है सुभद्रा, उनके पति का नाम शिवनारायण। हम अंदर चलेंगे, हमारे साथ लाभार्थी भी हैं। क्या सुभद्रा आप ही का नाम है? कैसे आपको जानकारी कैसे हुआ आवास के बारे में? तो मोदी आवास, मोदी भैया का आवास पास हुआ, हम सुने, हमके हम भी करेंगे आवास पास, हम लोग का बहुत गरीबी है भैया। कितना समय लगा आवास पास होने में? ओ लगा 3 महीना लगा हमारी आवास पास करने में। कितना पैसा आया आपके खाते में? हमारी पूरा आ गया है। इसके पहले कहाँ रहती थी, कैसा मकान था? हमारी टीना था, करकट। अच्छा, जीवन पहले कैसे था, बनने के बाद क्या बदलाव आया आपके जीवन में? बहुत बदलाव आया भैया, अब हम लोग के यही तकलीफ है कि हम लोग के रोजी रोजगार नहीं है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.